ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 45 ਦੀ ਅਤੇ 28 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ 50 45 ਹੈ, 45 45 ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸੋਰੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 6 ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ 3 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਫਿਰਟ ਹੈਗੀ 12 12 ਦੀ ਫਿਰਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 56 56 ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 28 ਆਟੋਗੈਡ 'ਚ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਪਲੱਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਡਿਵਾਈਡ ਚੱਲਦਾ। 6 ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ 36 ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 36 ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 6 ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਾਂ 36 ਦਾ ਅਤੇ ਆਫਸੈਟ ਕਰਨਾ 36, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ? 12x 12 32 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 32x12 12 ਨਹੀਂ, 6 ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ 12 ਸੋਰੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 36 ਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ? 32 ਯਾਨੀ ਕਿ 82 ਹੈ ਨਾ, 82 ਯਾਨੀ ਕਿ 41 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 16 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਰਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ 36+8 36 ਅਤੇ 8 ਆਹ 8 ਹੈ ਨਾ, 36 ਹੈ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਆਏ 12 ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓ ਕਿੰਨਾ? 28 ਨਹੀਂ, ਆਏ ਕਿਹੜਾ? 36 ਅਤੇ 6 36 ਅਤੇ 42 ਲਿਖ, 42 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ 45 ਅਤੇ 28
45 प्लस 20 है 73 73 माइनस 36 27 होगा ठीक है 27 हूँ जी की किया ड्राइंग दे पार्ट कर ले ठीक है नी ए हैगा 6 एक्सट्रूड ए भी हैगा 6 एक्सट्रूड ठीक है ए 9 एक्सट्रूड ए 6 एक्सट्रूड 9 है कि 8 है चलो जो भी है ठीक है तो रीजन कर लिए पहले का रीजन कमांड है पहली बार थोड़ा टाइम लगाना होगा कितना सी 6 ये भी 6 सारे 6 ने एक्सट्रूड करेंगे हम 6 एनु नहीं ये तो अलावा बाकी सारे ये भी ते ये भी छे एरी अपना वैल्यू ली है 8 ठीक है फिर इन अपना फ्री ऑर्बिट के नाल रख लिया ठीक है जब अपन लाइन में एक्सट्रूड कर देने हैं ना उदो ये सरफेस बन जाती है ठीक है इसका मतलब है लाइन एक्सट्रूड जो डॉटेड डॉटेड जा रहे हैं ना यानी रीजन नहीं है वो चीज सिंगल लाइन है ठीक है हम पहले तो इन्हें रोटेट कर लेना रोटेट करने वास्ते सानू जेड दी डायरेक्शन ऊपर चाहिए रोटेट कमांड लेते इन्हें रोटेट कर ले 90 डिग्री पे रोटेट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट सेंटर पॉइंट माइनस 90 करते हैं माइनस 90 ठीक है ना इन्हें मूव करके ये मिड पॉइंट तो चक के ये मिड पॉइंट ठीक है हम इन इधर नू रोटेट करना तो इधी जेड की डायरेक्शन इधर नू चेंज कर दो क्योंकि इधर रोटेट करना चाहते हैं अपन रोटेट 9 हो गया ना इन चक के मिड पॉइंट नो ये मिड पॉइंट करा दो ठीक ये लाइन आने ये ना डिलीट कर दो हम इन रोटेट करना रोटेट जेड की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी पहला रोटेट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट इन्हें चक के मूव कर देना है ये मिड पॉइंट तो ये मिड पॉइंट ठीक है इन्हें चक के मूव करके ये मिड पॉइंट शेड चेंज कर देना ठीक है आठ डायमेंशन कोई गड़बड़ होगी जिसे करके पर रहेगा ठीक है सबट्रैक्ट कर दें ये बच्चों एंटर इन ठीक है यूनियन लैके सारे में यूनियन कर दो ठीक है इन मूव करके एक साइड पर ले जावांगे फालतू की लाइन उठे रह जानी है ठीक है हूँ जिदा ये प्रॉब्लम होगी तो इनू मॉडिफाई किया जा सकता है ठीक है मॉडिफाई किदा होगा फेस यूसर लो फेस यूसियस
एक्स वाई है नहीं उधर, कोई गल नहीं। थ्री पॉइंट भी लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड। मकसद ये है कि एक्स वाई उधर उत्ते आना चाहिए, ठीक नहीं? तो लाइन कमांड लेके इतना भी इधर आ जाने हैं, लाइन कमांड लेके यहाँ क्लोज कर देने हैं, ठीक है? रीजन कर देने हैं, तो ठीक है, तो यूनियन कर दो, ठीक है? हाँ जी।